ਖੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਦੇ ਪਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੈਡਮ गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है। इसका एक रीज़न है कि एक तो गर्मी बढ़ी है, बनाने का दिल नहीं किया, और एक रीज़न ये था कि हमने कोई कंस्ट्रक्शन का काम लगाया हुआ है। अगर वो काम कंप्लीट होगा तो आपको भी दिखाएंगे हम क्या बना रहे हैं। और आज एक थोड़ा सा सुबह उठते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ होने का कारण ये था कि मेरे पापा को सुबह उठते ही लगा ऐसे, यार मुझे अजय, मैं सुबह जिम जाने लगा था ना, मुझे बोले अजय मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे दिल सा घबरा रहा है। और मैंने कहा छोड़ो जिम अजय कुमार, तो नो वॉक नो जिम। तो मैं पापा को लेकर गया एग्रीकल्चर, ये आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ एग्रीकल्चर की। पापा इन सभी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुए, काफ़ी अच्छा लगा। मेरे रिस्पेक्टेड हमारे दोस्त सबसे अच्छा लगा उनको खुले अंकल से मिलकर, दोनों आपस में बैठ के इतनी बातें की, इतना अच्छा लगा। क्या बात है, वेरी गुड। खुले साहब तुहानू तो डीदे पे ही अज सवेर दे वेले हूं चला ही तो गड्डी मोड़ लगा ही मैं कहूं अंकल आ गए ठाकर अंकल कहते वाह नहीं नहीं अज ना थोड़ा मन भर दे पे ही मंगलवार है ना वो छोड़कर एग्रीकल्चर से वापिस आ रहा था और रास्ते में टंडन साहब मिले। टंडन साहब कह रहे शर्मा जी आपका व्लॉग देख के बड़ा अच्छा लगता है। अरे टंडन साहब आप सभी जो मेरा व्लॉग देखते हो सभी मेरे घर के मेंबर हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरा व्लॉग देख। घर आकर मैडम ने भी बोला कि आज व्लॉग बना दो, बहुत दिन हो गया व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो आज आपको व्लॉग दिखाई देते हैं, क्योंकि सोनू के मासी जी हमारे रिस्पेक्टेड चना मासी जी अमृतसर से, उनका भी कल फ़ोन आया था कि सोनू बेटा क्या हो गया आजकल व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैडम मासी जी प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, आप हमारा व्लॉग देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी बड़ी मस्ती करते हो व्लॉग बनाते हो, आजकल तो आप शॉर्ट्स बना रहे हो, वो शॉर्ट्स मैं देखता हूँ, लेकिन कुछ मैं फेस टू फेस आपको बता रहा हूँ कुछ कमी है, कुछ उसको ठीक हो। तो ये नहीं है मेरे में भी कमी है, मैं भी कुछ गलत करता हूँ, तो लेकिन सीख सीख के ही बड़े होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग हमारा व्लॉग देखते हो, हमारा फैमिली व्लॉग है जिसमें आप सारी मस्ती इंजॉय, घर में खाना पीना, घर में हमारा डॉग है, ये मेरा गबरू है, देखो गबरू हमारे साथ ही रहता है, सबसे हमारा बेस्ट फ्रेंड है। एक छोटा सा जिया आया हमारे घर में, जब से आया घर हमारे घर में, हमारे घर में रौनक ही लगी हुई है। क्यों गबरू, गबरू गुगू है, गबरू डॉगी देखा, गबरू डॉगी आ गया, गबरू डॉगी, डॉगी कहाँ है हुई, देखो डॉगी का नाम लेते ही शुरू हो जाता है। ओ क्या बात है, गबरू डॉगी कहाँ है, अरे वाह, चलो आ जाओ, नहीं आया डॉगी, आ जाओ आ जाओ अंदर चले। लो जी दोस्तों ये कमार तो हो गया रेडी, पर गर्मी इन्नी क ज़्यादा है, तैयार होकर नहा धो के भी इन्ना बुरा हाल होता है पे, मेरा दिल करता है मैं निकर नुक्कर पा के जावा, पर की करिए आदत नहीं है। इधर देखो आ देखो जी, तीन दिन खूं खूं करता पे, खांसी जुकाम दोनों ही करते पे, पर हटना नहीं है उल्ट पुलट चीजा खान तो। यह देखो मैडम साड़ी बेचारी कितनी मेहनत करती है, देखो जी महाराज दूध का बाला भी दवा लिया, फुलके भी बन गए, सारा कुछ हो गया, ते मैडम फिर एक्टिव दी एक्टिव, एहो जी एक्टिव एहो जी है, हाय 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 हाय, एहो जी वाइफ सब नु दवे रब। तेरे मासी का लांबा दूर करता, मास लांबा ना मतलब कि मासी हाड़ा ब्लॉग देखती है दोनों का, मासी जी ने मासी ने कहा था मासी जी आज तो बाद ब्लॉग बनाएंगे जरूर बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, क्योंकि आपको बताया दिया था कि हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था,
तो और दोस्तों हम चले हैं शॉप पे, मेरा टिफ़िन हो गया पैक। मैडम जल जय माता दी, मिलते हैं शाम को। आज मैडम जाएगी, आपको बताया था मंदिर। मैडम मंदिर की वीडियो जरूर बनानी, रोज जा रहे हो? लो जी आजकल रोज मंदिर जा रहे हैं, क्या बात है। तो हम गबरू तो मेरा यार है, इसको तो मैं मिलके आया था। गबरू डॉगी देखा? चलो अभी मैं तो हो गया लेट, मिलते हैं शाम को, बाय बाय। क्या कर रहा है गबरू? तो अभी मैं तैयार हुई हूँ, हम जा रहे हैं मंदिर। सावन के महीने में हमारे यहाँ पे रोज चल होता है ओम नमः शिवाय का जाप। तो अब हम मैं और भाभी वहाँ जाएंगे मंदिर, और फिर वहाँ से आके आपको मैं दिखाऊंगी कि थोड़ी वीडियो भी डालूंगी वहाँ की, और बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा। ओम नमः शिवाय का आधे घंटे का जाप चलता है वहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा कीर्तन होता है, फिर वहाँ पे प्रसाद वगैरह, और प्रसाद भी मैं दिखाऊंगी वहाँ पे लोग कितना प्रसाद चढ़ाते हैं, कितनी श्रद्धा से, और भंडारे भरे रहते हैं शिव भोले के मंदिर, वो सब आपको दिखाऊंगी। ये सारा प्रसाद मिला है वहाँ से शिव भोले के मंदिर से, भंडारे भरे रहते हैं हमारे शिव भोले के, संगतों को खुले दिल से प्रसाद बांटते हैं। लो जी दोस्तों आ गई जी मैडम। ए मैडम सारा दिन घूमती रहती, बस मोपड़ फड़ी, कभी मंदिर चल गई, कभी किते चल गई, घर वाले कोई फिक्र नहीं है। मैं शॉप तो आया थकया टुटिया, अज मेरा भी गला दर्द करता पिया सी, एरा मैडम दा हाल वेख लो। बस मैं वेखो जी 6 बजे दा शॉप तो आया हुआ, ते ऐ देखो ए ना सा, बस और एरा एक मैं होर दसा, वो तुहानू इन्ने व्लॉग च दिखा ही दिता सी कि मंदिर गई है ते किन्ना कुछ खाण पीना से लै आई, कि रात दी छुट्टी मैनू रात कुछ बनाया ना पवे, रात दी छुट्टी हो गई मंदिर जाके इन्ना समान इकट्ठा करके लै आई। बोले भंडारी कहता उन्होंने कहना कि बटर नान भी दे दो, चपातियां भी दे दो नाल। लो जी दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, ला ओ फाड़े नु ओए ओए, डोगी आ गई, डोगी डोगी आ गई, डोगी मम्मा चप्पल दे दो, तेरा गला खराब है, तू भी उसकी आवाज करते। मैं भाई आगे नहीं कुछ खाता रात को, आज तो मेरा भी गला खराब हो गया, देखो सबका बुरा हाल है। सुबह मैं इसको बोल के गया था शॉप पे, गया तो मेरा बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों क्या करें, व्लॉग बनाना व्लॉग बनाना व्लॉग बना तो दिया, लेकिन इतनी टेंशन में व्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो छोटा मोटा काम नहीं है। फुलके बना दू तेरे ऐसे व्लॉग में, तेरे मुझे काम नहीं, तू फुलके बना, इन्ना ही बड़ा। लो जी दोस्तों आपा ते चले जे सौन, मैं कर लगा जे रेस्ट और व्लॉग कर लगा जे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग दे विच। किस्मत अपनी अपनी, तुसी दोपहरे सुते रहंदे हो डकार मार के, खा पी के नज़ारे लैंदे हो, मैं राती आ गए। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, आज का ब्लॉग इतने मैं खत्म करता, मिलते हैं, बाय बाय।